जिन साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। देखिए, सर्दी बहुत तेज हो रही है, तो सर्दी का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, साथ ही में अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा टाइम है जहाँ पर पढ़ाई का काम सबसे ज़्यादा किया जा सकता है। इस मौसम के अंदर हम एक ही काम अच्छे से कर सकते हैं, वो है हमारी पढ़ाई। तो पढ़ाई के अंदर आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपनी पढ़ाई को मजबूत और सुदृढ़ आप बना लें, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम बचा है हमारी एग्जाम के अंदर। तो जितना भी हमारा टाइम बचा है, उस टाइम को आप केवल पढ़ाई के अंदर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमें पाप से बचना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। हमारा जो पाप शब्द है, जो रेखांकित है, वो क्या है? पाप शब्द। पाप शब्द का जो विलोम शब्द होता है, उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो पाप शब्द है, पाप का जो विलोम होता है, वो क्या होता है? पुण्य। क्या होता है? पुण्य शब्द हमारे यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्यांश क्या हमारा? जिसे ईश्वर में विश्वास न हो, उसे हम क्या कहते हैं? जिसे ईश्वर में विश्वास न हो, उसे हम कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं उसे? नास्तिक हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोने को स्वर्ण कहो या रिक्त स्थान, उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। सोने के पर्याय से उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति की। यहाँ पर हमारा जो सोना शब्द है, सोने का पर्याय विलोम शब्द होता है, उससे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमारे यहाँ पर जो सोने का जो पर्यायवाची शब्द है, क्या है? कंचन शब्द। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सोने को स्वर्ण कहो या कंचन, उसकी कीमत कम नहीं होती। अगला हमारा प्रश्न है, उसने माना पर तुमने नहीं माने, इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये जो हमारा वाक्य दिया गया, इसमें से अशुद्ध शब्द की हमें पहचान करनी है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, उसने माना पर तुमने नहीं माना, यहाँ पर जो लास्ट में माने शब्द लिखा है, वो हमारा क्या है? गलत है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए? उसने माना पर तुमने नहीं माना। माने के स्थान पर भी क्या होना चाहिए था? माना शब्द होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, इन लोगों ने क्या किया कुछ, इस वाक्य में कौन सा शब्द अनुपयुक्त है? यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, इन लोगों ने क्या किया कुछ, तो यहाँ पर जो हमारा अनुपयुक्त शब्द लिखा गया है, उसे हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो अनुपयुक्त शब्द है, वो क्या है? कुछ शब्द। ऑप्शन नंबर 4, इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसके बाद में जो कुछ शब्द लिखा है, क्या है? अनुपयुक्त लिखा गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। इन लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली क्या जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा हमारा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। वाक्यांश क्या हमारा? परलोक से संबंध रखने वाला, परलोक से संबंध रखने वाले को हम क्या कहते हैं? हमारा जो यहाँ वाक्यांश है, परलोक से संबंध रखने वाला, उसे हम कहते हैं पारलौकिक। क्या कहते हैं उसे? पारलौकिक हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पारलौकिक शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो हमारा वाक्य खंड है, वो क्या है? फूल की रज।
उसके लिए उपयुक्त शब्द हमें सिलेक्ट करना है। जो फूल की रज होती है वो होती है पराग। क्या होती है? पराग हो। जो हमारे फूल की रज होती है उसे हम कहते हैं पराग। क्या कहते हैं उसे? पराग हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फूल की रज को पराग कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, लड़के ने पत्र लिखी। यहाँ पर जो रेखांकित खंड है वो क्या है? लिखी शब्द है। और लिखी के स्थान पर हम सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन यूज कर सकते हैं उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो लिखी शब्द है उसके स्थान पर सही शब्द आना चाहिए था लिखा। लड़के ने पत्र लिखा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ है। जो हमारा मुहावरा है क्या है? आस्तीन का सांप। इसका सही अर्थ हमें निम्न ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों ऑप्शन है, कपटी मित्र होना, ऑप्शन नंबर 2 किसी के साथ अन्याय करना, ऑप्शन नंबर 3 सांप काट लेना, ऑप्शन नंबर 4 सांप देख लेना। तो यहाँ पर जो आस्तीन का सांप का जो सही अर्थ निकलता है वो क्या होता है? कपटी मित्र होना। कौन सा होगा? कपटी मित्र होना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। मुहावरा क्या हमारा? पट्टी पढ़ाना। इस पट्टी पढ़ाना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो हमारा मुहावरा है पट्टी पढ़ाना इसका सही अर्थ होगा बुरी राय देना। कौन सा होगा? बुरी राय देना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है। यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द दिए गए हैं इनमें से क्रिया से बना विशेषण शब्द हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा क्रिया से बना हुआ विशेषण शब्द है। यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द दिए गए, गाना, दौड़ना, भागना, लड़ाकू। यहाँ पर हमारे जो गाना, दौड़ना और भागना तीनों शब्द हैं वह है क्रिया के शब्द, और जो लड़ाकू शब्द है क्रिया से बना हुआ विशेषण शब्द। कौन सा है? क्रिया से बना हुआ विशेषण शब्द। ऑप्शन नंबर 4 लड़ाकू शब्द। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। बाकी के जो तीनों शब्द हैं वो हमारे क्रिया के शब्द हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में से अली का पर्यायवाची चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य हमारा, फूल पर रिक्त स्थान गुनगुनाता है। यहाँ पर जो हमारा अली शब्द है, अली शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसे हमें यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ पर हमारा जो अली का जो पर्यायवाची शब्द दिया गया है वो दिया गया भृंग। कौन सा दिया गया है? भृंग हमारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। फूल पर भृंग गुनगुनाता है। भृंग को अलग से हम भंवरा भी हम बोलते हैं, तो फूल पर भृंग गुनगुनाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। हमारा यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है? उत्साह है। उत्साह शब्द का हमें विलोम शब्द यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो उत्साह शब्द है इसका विलोम शब्द होता है निरुत्साह। कौन सा होता है? निरुत्साह हमारा होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभ से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। वाक्यांश क्या हमारा? प्रारंभ से लेकर
अंत तक। जो हमारा वाक्यांश दिया गया है प्रारंभ से लेकर अंत तक, इसे हम कहते हैं आद्योपांत। क्या कहते हैं हम उसे? आद्योपांत हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? हमारे जो शब्द दिए गए हैं इनमें से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तीन तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं और एक हमारा अलग हुआ। जो हमारे चारों शब्द देखें, भीतर, तेज, बाएं, ऊपर, यहाँ पर हमारा जो स्थानवाचक विशेषण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर दो, तेज शब्द। बाकी ये जो तीनों शब्द हैं भीतर, बाएं, ऊपर, ये क्या है? स्थानवाचक। हम बोलते हैं कोई सामान कहाँ रखा हुआ है? भीतर रखा हुआ है, बाएं रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, तो तीनों क्या है? स्थानवाचक। बाकी का जो तेज शब्द है वो क्या हो जाएगा? हमारा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दो हमारा यहाँ पर सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे पूछे गए प्रश्न संख्या एक से पांच के उत्तर निम्न गद्यांश के आधार पर दीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? देखिए हमारा जो गद्यांश है वो क्या है? बड़ा दिया गया है, आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो इस गद्यांश के अंदर भी हमें उतना ही टाइम लगाना है जितना एक प्रश्न के लिए हमने डिसाइड किया है, क्योंकि अगर इस गद्यांश में हम ज्यादा टाइम लगा देंगे तो बाकी के क्वेश्चन के अंदर हमारा टाइम कम बचेगा। बाकी के जो अभी तक के जितने भी हमारे 15 क्वेश्चन हुए हैं उनमें हमने सीमित समय लगाया है, और वो सीमित समय लगाने का कारण ये है कि सब सब टाइम क्या मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन में भी टाइम बराबर लगाना है, स्पीड को आपको तेज करना है। डायरेक्टली आपको पहले तो क्या करना है, 16 नंबर की जो ऑप्शन है ब्याज, ऋण, वृद्धि, रत्न, इन चारों ऑप्शनों को पढ़ना होता है। इन चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद में आपको डायरेक्टली वाक्य को पढ़ना है। वाक्य को भी कहाँ से पढ़ोगे? सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन का अस्तित्व है, यहाँ से नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है जो सेंटेंस दिया गया है, मेन सेंटेंस के अंदर जिसमें रिक्त स्थान है उस सेंटेंस को हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 का जो सही जवाब होगा होगा ऑप्शन नंबर 3, वृद्धि शब्द। इसी वाक्य में रखकर देखते हैं, सभी सजीवों में उपापचयी क्रियाएं आकार में वृद्धि, शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय कार्य करने की क्षमता तथा उद्दीपन के प्रति संवेदना होती है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प इनमें से क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 17 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है 2, आकृति शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, वृद्धि की विशेष अवधि के पश्चात सभी पौधे तथा जंतु जनन द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, सभी पौधे तथा जंतुओं की निश्चित आकृति होती है, परंतु कोई भी दो पौधे या जंतु एक समान नहीं होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? प्रश्न नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जनन शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, ऐसी विभिन्नताएं जनन के समय उत्पन्न होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? तो हमारा रिक्त स्थान 4 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, आधार शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, तथा जैविक विकास के लिए मुख्य आधार बनती हैं।
सजीव तंत्र के विलक्षण संगठन के कारण ही विभिन्न जैविक क्रियाएं संभव हैं। संगठन के विभिन्न स्तर हैं: आणविक, कोशिकीय, ऊतकीय, अंग तंत्र, व्यष्टि, समष्टि, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जीव वर्णन। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा? जो हमारा रिक्त स्थान 5 है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जीवन शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, संगठन के इन 9 स्तरों के अंतर्गत जीवन के गुण केवल कोशिकीय स्तर पर दिखाई देते हैं तथा जीवमंडल से आगे नहीं जाते। कोशिकाएं विभिन्न आकार और आकृति की हो सकती हैं। अगर आपको ये जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है इनमें टाइम कम मिला है, आप एक काम किया करें, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लिया करें। कोई बात नहीं है, अभी हमारी क्या चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। कई बार आपको टाइम कम मिलता है, आप उनको वीडियो को पॉज करके भी आप अपना समय ले सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ये स्पीड ही आपकी अंत तक बनी रहनी चाहिए। जितनी स्पीड आप बढ़ाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना सबसे जरूरी हो जाता है इन कॉम्पिटिशन एग्जामों में। और हमारा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर ऑनलाइन ही हमें तैयारी करनी है, ऑनलाइन का ही हमें टाइम मिलना चाहिए। ऑफलाइन एग्जाम में तो क्या होता है, जब टीचर पेपर लेकर आता है वो हमारे लेता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, हमें 5 या 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल जाता है। वो हमारे पहले दे दी जाती है, पहले बेल बजती है उससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर बेल बजने के बाद में भी जब ओमार को बोला जाता है तब भी हम गोले भरते रहते हैं, तो वहां पर तो थोड़ा बहुत टाइम हमें मिल जाता है एक्स्ट्रा। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में पोर्टल बंद हो जाता है, टाइम कंप्लीट, एग्जाम कंप्लीट, तो वहां पर हमारा टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट हमें बहुत जरूरी है करना, तो इसीलिए हमारा जो टारगेट है वो 10 सेकंड का है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ तो वहां पर आपको 5 सेकंड मिल जाते हैं, यानी प्रश्न पढ़ने का टाइम आपको पहले मिल जाता है और बाकी का जो आंसर करने का टाइम है वो आपका 10 सेकंड का रह जाता है। तो वहां पर आपको टाइम क्या मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बाकी के हमारे जो टेस्ट सीरीज जितने भी, वो 13 से 15 मिनट के बीच में हो जाते हैं लगभग। तो इन टेस्ट सीरीज का माध्यम ये है कि हम सीमित समय के अंदर टोटल पूरे हिंदी के 20 क्वेश्चन हम कर पाए। आपको टेस्ट सीरीज करवा दें 1 घंटे तक 20 क्वेश्चन, तो क्या होगा, उससे आपका क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, लेकिन आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, जो सबसे मेन चीज है एग्जाम में, वो आपकी खराब हो जाएगी। हमारा टारगेट क्या है, 20 के क्वेश्चन भी सही होना, साथ ही में टाइम मैनेजमेंट करना। यही क्वेश्चन मैं आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में भी करवा सकता हूँ इसकी व्याख्या करके, लेकिन व्याख्या करने बैठ जाएंगे तो हम व्याख्या में ही रह जाएंगे। मेन टारगेट क्या है, एग्जाम फाइट करना। हमें व्याख्या नहीं करनी है किसी चीज की, हमें कहीं ज्ञाता नहीं बनना है, हमें केवल एग्जाम फाइट करनी है, मेरिट में आना है। तो हमें मेरिट में आने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्वेश्चन सही करने होंगे, तो उसके लिए हम पहले से ही तय बनाकर चलेंगे, इतना टाइम में हमें क्वेश्चन करनी है, टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करना है। वरना इसी टेस्ट सीरीज को हम 1 घंटे में भी कर सकते हैं, 2 घंटे में भी कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन की एक एक बातों को हम बोलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, उनके बारे में अनेक ज्ञान प्रकट करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि लास्ट में वो चीज़ें काम ही नहीं आने वाली। तो जो चीज़ें काम में आने वाली हैं उन चीज़ों को हम पढ़ें। सीमित सिलेबस है, सीमित टॉपिक है, उनकी ज़्यादा व्याख्या करने से हम ज्ञाता ही बनेंगे, सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाएगा। हमें केवल क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन किस प्रकार से ले रहे हैं वो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से जान रहे हो, क्वेश्चन करना है, पढ़ना है, आंसर देना है, दैट्स इट। तो यही काम आपको करना है, बाकी आप समझदार हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, बाकी की चीज़ें भी। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैथ, रीजनिंग और जीके, इनको भी आपको कंप्लीट रूप से करना है, इतना ही टाइम मिलेगा आपको उसमें भी, क्योंकि टोटल 60 मिनट है, 60 मिनट के अंदर आपको टोटल 80 क्वेश्चन करने हैं। तो वो 80 क्वेश्चन कब होंगे, जब आप सीमित समय लोगे, ठीक है? तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।